बिहार सरकार द्वारा जो ग्रेजुएशन पास करने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो 50,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है, साथ में इससे पहले जो पुराने स्टूडेंट को 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म जो है किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है, जैसे बहुत स्टूडेंट का फॉर्म जो है उसका इन प्रोसेस होने के बाद उन सारे स्टूडेंट का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट होने के बाद आप लोगों को फॉर्म जो है 6 महीने से साल भर से आप लोगों को इसी प्रकार पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग में पड़ने के बाद आप लोगों को किस प्रकार आप लोगों को अपना फॉर्म को वेरीफाई करवाना है। अगर आप लोगों को सेशन 14 से 17 है, 15 से 18, 16 से 19 से 17 से 20 है, अगर आप लोगों को फॉर्म में अगर आप लोगों को पेमेंट डन वाले ऑप्शन में यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट डन है, उसके नीचे में पेमेंट रिप्रोसेस्ड अप्रूवल पेंडिंग एट डिपार्टमेंट का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को फॉर्म 6 महीने से ऊपर से वेरीफाई नहीं हो रहा है या आप लोग 1 साल से आपका फॉर्म इसी प्रकार पेंडिंग में फंसा है, इससे पहले ये आप लोगों का स्टेटस जो है पेमेंट रिप्रोसेस का ऑप्शन था, लेकिन कुछ 1 से 1.5 महीने पहले जो यहाँ पर देख लीजिए अप्रूवल पेंडिंग एट डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ गया, तब आप लोगों को ये फॉर्म किस प्रकार वेरीफाई होगा और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया कब तक मिलेगा पूरी जानकारी बताने वाला। इसलिए अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग ये वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को कांटेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर फॉर्म रिजेक्ट है, अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट है, तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोगों को अपना स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आप लोगों को सारे स्टूडेंट को स्टेटस चेक करने आता ही होगा तो आप लोगों को पता ही होगा किस प्रकार आप लोगों का स्टेटस चेक किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे पहले उसका यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद जो ऑनर है वो देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद देख लीजिए आप लोग फेनिलाइज कब किए थे वो देखने को मिलेगा। ये स्टूडेंट जो फेनिलाइज देख लीजिए 19/6/2023 को ये फिनिलाइज किया था, उसके बाद देख लीजिए इसका ये सभी चीज वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद इसका देख लीजिए ये लेवल 2 यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होता है, उसके बाद देख लीजिए यूनिवर्सिटी से ही लेवल 3 भी वेरीफाई होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है पेंडिंग, ये आप लोगों को शिक्षा विभाग से वेरीफाई किया जाता है। ये जैसे वेरीफाई किया जाता है उसके बाद आप लोगों को पेमेंट डन वाले ऑप्शन में आप लोगों का क्या होता है इन प्रोसेस हो जाता है। जैसे इन प्रोसेस होता है उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है पुराने स्टूडेंट का, लेकिन न्यू वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं होता है। इन प्रोसेस होने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर ही रुपया न्यू स्टूडेंट को आ जाता है, लेकिन पुराने स्टूडेंट को टाइम लगता है क्योंकि ये ओल्ड स्टूडेंट है और इन सारे स्टूडेंट को जो है थोड़ा फंड भी लेट से आता है, रुपया भी लेट से आता है, इसलिए इन लोगों को लेट से ही रुपया मिलता है। अब आप लोगों की ये अगर ऑप्शन है तो ये वेरीफाई किस प्रकार कराना है, साथ में इसमें समस्या क्या है, तो इसमें 3 से 4 समस्या हो सकता है। आप लोग देख लीजिए पहला समस्या या तो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई ना कोई चीज गलती किए होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर या आप लोग ETC चीज गलती किए होंगे, जिसके कारण आप लोगों के यहाँ फॉर्म जो है फंस जाता है। फंसने के बाद आप लोगों का रिप्रोसेस का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद साल भर 1.5 साल से इसी तरह आप लोगों को दिखाई देगा, न तो आप लोगों का फॉर्म वेरीफाई होगा न ही आप लोगों को रुपया मिलेगा। दूसरा कारण यह हो सकता है जैसे आप लोगों की इन प्रोसेस हुआ उस टाइम आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडेड नहीं होगा। सबसे मेन प्रॉब्लम यही स्टूडेंट का है कि आधार सीडेड नहीं होता है, जिसके कारण उन सारे स्टूडेंट को बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफर नहीं किया जाता, और ट्रांसफर अगर नहीं होता है तो उसका पेमेंट जो है फिर से रिप्रोसेस चल जाता है, नहीं फिर से उसका पेमेंट की प्रक्रिया में चल जाता है फर्म, उसके बाद अगले राउंड का इंतजार करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसका फिर से फर्म वेरीफाई नहीं होता है, नहीं बैंक अकाउंट में रुपया आता है, क्योंकि यहां पर विभाग द्वारा यह बताया जाता है कि जैसे अगर फिर से हम इसका फर्म बैंक अकाउंट में रुपया भेजने की कोशिश करें, अगर स्टूडेंट वो अपना जो है बैंक को आधार सीडेड नहीं करवाया होगा तो फिर से यह समस्या उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए जो है दोबारा इसका फर्म को कुछ नहीं करता है और छोड़ देता है वैसे। तीसरा प्रॉब्लम यह होता है कि अगर बहुत स्टूडेंट आधार सीडेड करवा भी लिया रहता है, तो जैसे कि वो देख लीजिए फिनो बैंक में आधार सीडेड करा लेता है, तीसरा एयरटेल पेमेंट बैंक में आधार सीडेड कर लेता है, चौथा जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में आधार सीडेड कर लेता है, तो इस प्रकार के बैंक अकाउंट में कोई भी स्कॉलरशिप का रुपया नहीं आता है, इसलिए आप लोग इस बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडेड है तो चेंज करवा के आप लोगों को दूसरा बैंक अकाउंट में करवा लेना है। जो मैं आप लोगों को बैंक बताया हूँ इस तरह का बैंक ना चाहिए, जैसे आप लोग सेंट्रल है, स्टेट है, PNB है, ग्रामीण है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इस बैंक में आप लोगों को आसानी से रुपया आ जाएगा, लेकिन आपका इस बैंक में आधार सीडेड होना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम से उसका जो है समस्या फंस जाता है। तो ये वेरीफाई कैसे कराना है वो भी बताने वाला। और चौथा प्रॉब्लम ये है कि आधार सीडेड है
फिर भी उसका जो जो बैंक में आधार सीडर रहता है वो बैंक अकाउंट उसका बंद रहता है, जिसके कारण उसका फॉर्म जो है रिप्रोसेस में चला जाता है। तो इतना कारण से आप लोगों को रिप्रोसेस में फॉर्म जाता है और आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया नहीं जाता है। और आप लोगों को पता होगा जिन भी स्टूडेंट का ये रिप्रोसेस में फॉर्म गया होगा उसको 6 महीने से ज्यादा हो गया होगा, ये स्टेटस चेंज नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि ये फॉर्म कैसे वेरीफाई होगा। बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि हम ऑनलाइन आवेदन करते समय तो कोई और बैंक दिए थे वो बैंक अकाउंट भी बंद हो गया। तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी बैंक दिए थे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को कौन बैंक देना है वो ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को सबसे पहले देख लीजिए, आप लोगों को पहला एक में ओरिजिनल मार्कशीट, ग्रेजुएशन का एक नंबर में ओरिजिनल मार्कशीट, 2 नंबर में ओरिजिनल एडमिट कार्ड, 3 नंबर में आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड, 4 नंबर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र और 5 नंबर में बैंक अकाउंट। कितना? तो 5 नंबर में बैंक अकाउंट, इतना डॉक्यूमेंट लेके साथ में आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो पोस्ट ऑफिस में होता है वही अकाउंट आपको खुलवा लेना है और आधार सीडेड उसी बैंक में खुलवा लेना है। उसके बाद ये 5 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आपको शिक्षा विभाग पटना चले जाना है। उसके बाद वहां से आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट को विभाग द्वारा चेक किया जाएगा, जो भी विभाग का अधिकारी बैठता है वहां पर स्कॉलरशिप के विभाग में उस अधिकारी द्वारा आपको फॉर्म को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आप लोगों को सभी चीज कर दिया जाएगा और पेमेंट लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जैसे अगला राउंड पेमेंट ट्रांसफर किया जाएगा वैसे आप लोगों को बैंक अकाउंट में रुपया आ जाएगा आसानी से। तो इस प्रकार अपना फॉर्म को वेरीफाई करा सकते हैं, इस प्रकार अपना स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। साथ में इसके बावजूद अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टेक्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिप्लाई मिलेगा। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो आप लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, मैसेज को सीन करके छोड़ दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों के जिन भी स्टूडेंट का, अगर आप लोगों की ये समस्या, सिर्फ वही स्टूडेंट जाएंगे, इसके अलावा कोई शिक्षा विभाग नहीं जाएंगे। साथ में मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत स्टूडेंट का ये भी सवाल होगा कि हम यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये काम जो है यूनिवर्सिटी से नहीं होगा। यूनिवर्सिटी से सिर्फ ये 2 ही काम हो सकता है, कौन कौन? Level 2 और Level 3, ये दोनों वेरीफाई होता है। उसके अगला पोजिशन जो है हेडक्वार्टर, ये शिक्षा विभाग से वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ये पेमेंट की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग द्वारा ही भेजा जाता है। तो आप लोग उस प्रकार अपना फॉर्म को जाकर वहां से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता दूं, इसके बावजूद अगर कोई डॉट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।